नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो चलिए, वक्त हो गया है उत्तराखंड की कुछ खबरों को जानने का। उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अब गंगा जमुना की आरती कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण को रोकने में लगे थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कई दिनों के बाद आज मौसम साफ बना रहा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से अगले 2-3 दिन तक मौसम फिर बिगड़ सकता है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अब बस 8 दिन ही बचे हैं। प्रचार के अंतिम समय में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम की तारीख तय कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को हरिद्वार, 8 को नैनीताल, 9 को टिहरी, 10 को अल्मोड़ा और 11 फरवरी को पौड़ी विधानसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के 7वें दौरे पर आज हरिद्वार पहुंचे। केजरीवाल 3 दिन तक तीर्थनगरी हरिद्वार में पार्टी के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल हरिद्वार के पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हरिद्वार बाईपास रोड को बढ़ाने का ठेका लेने के लिए दिल्ली के एक ठेकेदार ने 77 लाख रुपए की फर्जी बैंक गारंटी लोक निर्माण विभाग में जमा कर दी और उसे ठेका भी मिल गया। इसके बाद जब गारंटी पत्र का सत्यापन कराया गया तो पहली बार में वो सही पाई गई, लेकिन दूसरी बार सत्यापन बैंक में इसे फर्जी बताया। इस आधार पर ठेकेदार के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार, मैं संध्या डालाकोटी 56 लालकुआ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस लालकुआ विधानसभा की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ। और 14 तारीख को 13वें नंबर पर गैस का चूल्हे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं।